हम आपके लिए बनाएंगे कॉल्सन के पास्ता की कीमे वाली स्पाइरल मैक्रोनीज। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने ले लिया एक पाव कीमा बीफ का, बिल्कुल बगैर चर्बी का। उसमें हमने आधे चाय के चमचे के बराबर लाल मिर्च कुटी हुई ऐड की, नमक ऐड किया हसब जायका, और उसमें हमने ऐड कर दिया जनाब पानी तकरीबन हाफ कप और एक खाने का चमचा तेल, दैट्स इट। इसको हमने आधा घंटा पकाया है। इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, काली मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई काली मिर्चें, चॉइस इज ऑल योर्स। नमक, यहाँ पे हमारे पास कॉल्सन की स्पाइरल मैक्रोनीज रखी हुई हैं। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लो सोडियम वाला सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें पहले ऐड कर चुके हैं, ज़्यादा मिर्चीला नहीं बनाएंगे और मज़ीद शामिल नहीं करेंगे। हरा प्याज ऐड करेंगे इसमें, चाइनीज सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहते हैं नॉट ए प्रॉब्लम, बेशक ऐड मत कीजिए। चाइनीज सॉल्ट मैंने रखा हुआ ज़रूर है, लेकिन इसकी बजाय मैं MSG फ्री चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करूँगी। सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, छोटी छोटी बिल्कुल कटी हुई शिमला मिर्चें, हरे प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा, चिली सॉस और थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसमें केचप। Assalamualaikum and welcome to Healthy Cooking, एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। हमेशा की तरह हम आपको करते हैं खुश आमदीद हमारे इस शो में। कुकिंग के बारे में ये कहा जाता है कि जी आप खाना पकाएंगे और आप खाना खाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको खाने पीने से रगबत है तो आप दुबले पतले ना रह सकें, और हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, बिकॉज एक कोट है स्मार्ट शेफ्स स्टे स्लिम, एंड ये कोट जो है ये हर एक पे अप्लाई होता है। हर खातून अपने घर की शेफ़ होती हैं, हर खातून अपने घर की कुकिंग एक्सपर्ट होती हैं। अगर आप खाना बनाते हुए 4-5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे और खाते हुए 10-12 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमेशा एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मार्ट सी लाइफ आप गुजार सकते हैं। आज हम आपके लिए बनाएंगे कॉल्सन के पास्ता की कीमे वाली स्पाइरल मैक्रोनीज, और कॉल्सन के पास्ता की एक बहुत लंबी रेंज है। इसमें आपको एल्बो मैक्रोनीज मिलेंगी, छोटे साइज़ में मिलेंगी, बड़े साइज़ में मिलेंगी, शेल यानी कि जो सीपी होती है उसके शेप की आपको मैक्रोनीज मिलेंगी, स्पाइरल के शेप की मैक्रोनीज मिलेंगी जो बच्चों को बड़ी पसंद आ सकती हैं बिकॉज वो शेप बड़ी खूबसूरत सी होती है। साथ में लज़ानिया शीट्स इनके पास हैं, इफ़ यू वॉन्ट आप इसका लज़ानिया बना सकते हैं। पास्ता के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ही आता है, पर हम भी अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जी पास्ता इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, हालांकि अगर आप उसे कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट सब्जियों के साथ, डिफरेंट लो फैट क्रीम सॉसेस के साथ, बहुत सारी चिकन के साथ, गोश्त के साथ, तो आप उसको एक बहुत अच्छा बहुत हेल्दी मील बना सकते हैं, जो कि हम बनाएंगे इस कॉल्सन पास्ता को, और डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम इसे बनाएंगे। कल भी हमने एक डिफरेंट स्टाइल में इसे बनाया था, और आज हम उन लोगों के लिए पास्ता बना रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पाइरल मैक्रोनीज खा रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली बना रहे हैं जो कि बीफ के नाम से दूर भाग रहे होते हैं और कहते हैं जी बीफ नहीं खाना हमने, और हर गोश्त को देख के पूछ रहे होते हैं ये चिकन है या बीफ है। तो जनाब ये बीफ है, लेकिन आप इसे खा पाएंगे बिकॉज कीमे को हम बहुत ज़्यादा अच्छा सा जो है वो मिक्स कर देंगे इन मैक्रोनीज के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आधा काम हमने करके रखा हुआ था, आधा काम हम करेंगे। एंड बाय द वे, आज के शो में एक्सरसाइज पे बहुत सारी बात करेंगे। ये जो वर्जिश होती है ना, यही सिर्फ एक वाहिद चीज़ नहीं होती विच इज़ यूज़फुल, हरकत में बरकत है हम कहते हैं, और ये कौन सी किस्म की हरकत है और इसमें कौन सी बरकत है पूरे शो में आपको बताएंगे कि एक्चुअली एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होता है और किस किस्म की एक्सरसाइज आप कर सकती हैं हर इंसान के अकॉर्डिंगली और हर जेंडर के अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने ले लिया एक पाव कीमा बीफ का, बिल्कुल बगैर चर्बी का, जिसको हम कहते हैं लीन मीट। ये कैसे बगैर चर्बी का लेंगे, आप जाएंगे बुचर के पास, आप उनको बोलेंगे कि जी ये पीस मुझे चाहिए, उसकी पहले चर्बी उतरवाएंगे फिर आप उसका कीमा बनवाएंगे। उसमें हमने आधे चाय के चमचे के बराबर लाल मिर्च कुटी हुई ऐड की, नमक ऐड किया हसब जायका, और उसमें हमने ऐड कर दिया जनाब पानी तकरीबन हाफ कप और एक खाने का चमचा तेल, दैट्स इट। इसको हमने आधा घंटा पकाया है, इसकी आंच हम करेंगे हल्की और आ जाएंगे अपने बाकी के अज्जा की तरफ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि हमने इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं हम एक चाय के चमचे के बराबर, मज़ीद शामिल नहीं करेंगे। होता क्या है कि जब हम कीमे को पकाते हैं ना, बीफ को, मटन को, किसी भी लाल वाले गोश्त को हम पकाते हैं, तो उसमें एक अपनी महक होती है जो कि किसी को भी अच्छी नहीं लगती। उसको ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट उसके साथ ही शामिल करना ज़रूरी होता है। इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, काली मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई काली मिर्चें, चॉइस इज़ ऑल योर्स। नमक, यहाँ पे हमारे पास कॉल्सन की स्पाइरल मैक्रोनीज रखी हुई हैं जो कि हमारे पेप शेफ ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उबाली हैं, और ये परफेक्ट मैक्रोनीज या फिर स्पेगेटीज अगर आप उबालना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट वे। आपने उबाल के रखी, हल्का सा इस पर ऑयल लगाया, एंड जस्ट हैव अ लुक कि एक एक स्पाइरल मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग है, चिपक नहीं रही है, ओवर कुक नहीं है, अंडर कुक नहीं है, ये परफेक्ट तरीका है इनको पकाने का। लेकिन माइंड में रखिएगा कि जब ये
गर्म होंगी ना तब आपने बोल में ऐड नहीं करनी, इस वक्त बिल्कुल भी गर्म नहीं है। पहले आपने एक ट्रे पे बिछाना है इनको पानी का निकालने के बाद, और फिर आपने बोल में बेशक ऐड कर सकते हैं, अगर पहले कर देंगे तो वो चिपक जाएंगी। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लो सोडियम वाला सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें पहले ऐड कर चुके हैं, ज़्यादा मिर्चीला नहीं बनाएंगे और मज़ीद शामिल नहीं करेंगे। हरा प्याज ऐड करेंगे इसमें, चाइनीज सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहते नॉट अ प्रॉब्लम, बेशक ऐड मत कीजिए। चाइनीज सॉल्ट मैंने रखा हुआ ज़रूर है, लेकिन इसकी बजाय मैं MSG फ्री चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करूँगी। सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, छोटी छोटी बिल्कुल कटी हुई शिमला मिर्चें, हरे प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा, चिली सॉस, और थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसमें केचप। लेकिन सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे हरे प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा, ये हमने ऐड कर दिया। जो भी सब्ज़ी आप इसमें शामिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप इसमें मकई के दाने शामिल कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम शामिल कर सकते हैं, आलू मत शामिल कीजिएगा बिकॉज आलू में भी कार्ब्स हैं, प्लस पास्ता में भी कार्ब्स हैं, तो डबल डबल हो जाएगा। इसके अलावा शिमला मिर्च तो हम शामिल कर ही रहे हैं, अगर आप दूसरा वाला प्याज ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बंद गोभी नॉट फूल गोभी वो भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। मटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इवन मैं कहती हूँ अगर आप बैंगन भी ऐड करना चाहते हैं तो घुल के पता भी नहीं चलेंगे कि वो लिटरली बैंगन है। अच्छा, यहाँ पे अब ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा मसाला पक रहा है, इस मज़ेदार से मसाले को बनाते हैं और भी मज़ेदार। इसमें हम ऐड करेंगे लो सोडियम सोया सॉस 1-2 टेबलस्पून के बराबर, साथ में हम ऐड करेंगे सिर्फ एक खाने के चमचे के बराबर चिली सॉस। अच्छा, यहाँ पे हमने इस कीमे को लिटरली इतना गलाया और इतनी देर से हम इसे गला रहे हैं शो से पहले से, कि बच्चों को ये नहीं फील होगा कि वो चिकन नहीं खा रहे थे, वो डेफिनेटली फील कि वो चिकन ही खा रहे हैं, इतना सॉफ्ट लगेगा। कीमा ना खाने की एक रीज़न ये भी होती है बच्चों की कि वो कहते हैं कि जी हार्ड होता है बड़ा, तो इसको इतना गलाएं कि चिकन की तरह सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें, जिसमें सबसे पहले है जनाब हमारी स्पाइरल मैक्रोनीज, और थोड़ा सा लिक्विड ही रखिएगा इसको, ताकि जब आप इसमें स्पाइरल मैक्रोनीज ऐड करें ना, तो ऐड करने के बाद मसाला इसमें रच जाना चाहिए, इसके अंदर बस जाना चाहिए। हरा धनिया ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, हरे धनिया की बजाय अगर आप इसमें जो है वो सोया ऐड करना चाहते हैं आप सोया ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पालक ऐड करना चाहते हैं पालक ऐड कर सकते हैं, चॉइस इज़ ऑल योर्स। और अब काम आया है सबसे फेवरेट वाला मेरा, एंड दैट इज़ टॉसिंग। टॉस करने से पहले इसमें हरा प्याज ऐड करेंगे, और अभी कितना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है ना कि सिर्फ वाइट वाइट, मगर अब इसमें कलर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और कलर्स दिखने स्टार्ट होंगे कीमे की वजह से, हरे प्याज की वजह से। इफ़ यू वांट आप इसमें चेरी टमेटोज या छोटे छोटे टमाटर को इस स्टेज पे डाइस करके भी ऐड कर सकते हैं। इस पास्ता की जो लज्जत है ना वो इस चीज़ पे आधे से ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आपका कीमा कितनी अच्छी क्वालिटी का है, और गलावा कितना अच्छा है, और आपका पास्ता कितनी अच्छी क्वालिटी का है। पास्ता कौसन का है तो हमें यकीन है, और कीमा अगर ज़्यादा गलाएंगे तो यकीन हो जाएगा कि सही से प्रॉपरली गलावा है, चर्बी वाला नहीं होना चाहिए कीमा। अच्छा जी, एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बता रहे थे कि एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। आपको पता है जो लोग वर्जिश करते हैं और बड़े रेगुलर बेसिस पे वर्जिश करती हैं, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है वर्जिश। अगर आप उनको 10 साल बाद भी देखेंगे, कुछ होते हैं ना लोग जो आप कहते हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने साथ ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं यूजुअली, या फिर कोई आपकी दूर की रिश्तेदार हो सकती है, कि आपको देख के लगता है कि ये तो कभी बूढ़ी होती नहीं है और एजिंग होती नहीं है, दैट इज़ बिकॉज वो एक्सरसाइज करती हैं। आपको पता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एक चीज़ होती है एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन, आपको खुश रखने वाला हार्मोन, वो रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। जब वो रिलीज़ होना स्टार्ट होता है इट बिकम्स अपीयर ऑन योर फेस, वो आपके फेस पे जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो आपके फेस पे दिखना स्टार्ट होता है तो आप लोगों को फ्रेश नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उन लोगों से कंपेयर करें ज़रा कि जो स्लीपिंग पिल्स लेती हैं ख़वातीन, या फिर डिप्रेशन की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, उनके चेहरे पे एजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ना सिर्फ आपको स्लिम ट्रिम दुबला पतला रखने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि आपको यंग रखने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। वो लड़कियाँ वो बच्चियाँ जो कि 20 साल से ले कर 26 साल की एज तक बेबी कंसीव कर रही होती हैं, बच्ची उनके होती हैं, उस वक्त अगर उन्होंने अपना वज़न कम कर लिया, बिलीव मी पूरी ज़िंदगी आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा वज़न को कम रखने में या वज़न को बरकरार रखने में। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ये जो कीमे वाली मैक्रोनीज़ हैं इनको हमने कर दिया है मिक्स, एंड इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्चें। और एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी बातें आपको बतानी है, वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं। अच्छा जनाब, एक्सरसाइज के बारे में अब बात आ जाती है कि ठीक है एक्सरसाइज बहुत अच्छी है सेहत के लिए, मगर
दिल नहीं चाहता करने का। जब आप एक्सरसाइज को एक्सरसाइज समझ के करेंगे ना, आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा। और अगर आप एक्सरसाइज को एक बच्चे की तरह सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल आप एक बच्चा हैं, आपका दिल चाह रहा है एक्सरसाइज करने का, कुछ मत सोचें इसके बाद इसको बरकरार रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी, नहीं किया तो और मोटी हो जाऊंगी, सोचना आपने इस टाइम पे नहीं है। आपने सोचना सिर्फ ये है कि चलिए भाई क्या करूँ, वॉक करूँ, जॉगिंग करूँ, एरोबिक्स करूँ, योगा करूँ, किसी किस्म का कोई डांस करूँ, ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँ, सीढ़ियाँ चढ़ूँ, किसी मॉल जब जाऊँ या फिर शॉपिंग करने के लिए जाऊँ, गाड़ी में ना जाऊँ, पैदल थोड़ा चलने की कोशिश करूँ। बस ये ऑप्शंस आपने देखने अपने लिए, और ऑप्शंस देखने के बाद आपने खुद ब खुद इन पर अमल कर देना है स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ों को हम मिक्स करके लंच बॉक्सेस में भरना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखने वाली चीज़ है कि जब आप पास्ता बना रही हैं तो ये हमने एक ऐसा लंच बॉक्स यूज़ किया है जिसमें ये नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी ये इतना ज़्यादा है नहीं जितना आपको लग रहा है। तो क्या होता है कि साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि हाँ जी मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, हालाँकि वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो ये भी कुछ ट्रिक्स होती हैं वज़न अपना बरकरार रखने की या वज़न कम करने की, कि चीज़ दिखने में ज़्यादा हो मगर ज़्यादा ना हो। इस तरह से अगर आप किसी अपने हस्बैंड को या फिर आप किसी को भी जो है वो पैक करके इस तरह से दे रहे हैं, तो ऊपर आप केचप ऐड कर दें, मिक्स नहीं करें। पता है कुछ लोगों को मीठा फ्लेवर पसंद नहीं होता, फिर अगर नहीं पसंद तो फिर वो खा नहीं पाएंगे उसको। बच्चों के लिए साइड पे इस तरह से आप केचप लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दे वो। अच्छा, अब क्योंकि पास्ता गर्म है तो इस वक्त इसको बंद नहीं करना। हम क्या करेंगे कि अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख सकते हैं, थोड़ी सी इसको हवा मिलेगी तो ये अलग अलग ही रहेगा, वरना फिर अगर मजबूरी है जल्दी जल्दी बंद करना है तो वो इसका एक पहाड़ नुमा चीज़ सी बन जाएगी। इसको हम कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको हम करेंगे प्लेस। और अब फाइनल सर्विंग, जिस तरह से हम अपने घरों में कर सकते हैं, वो लेके आऊँगी मैं, और इसको हम करेंगे यहाँ पर सर्व। एंड इसमें एक चीज़ मिसिंग है एंड दैट इज़ चेडर चीज़। आप रेसिपी कार्ड में देखिएगा चेडर चीज़ लिखी हुई है, आप चाहें तो उसके ऊपर भर के चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो इस रेसिपी का डिफरेंट सा मज़ेदार सा पार्ट हो जाएगी। लेकिन कॉटेज चीज़ अगर ऐड करें कम सॉल्ट के साथ और कम फैट के साथ, तो उससे तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। इस वक्त मैं इसको इस तरह से पोर्शन इसका बनाने के लिए मैं इसको बोल में ऐड कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से स्टे करे, कर जाता है तो अच्छी बात है, मगर क्योंकि पास्ता है चावल नहीं है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये स्टे करे। इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसको हम करेंगे प्रेस। याद रखिएगा पास्ता है चावल नहीं है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा ना भी एक दूसरे से अटैच हुआ हुआ, नॉट एन इशू। इस तरह से बस एक जगह आ जाए, इकट्ठा हो जाए, थोड़ा बहुत गिर भी जाए इधर उधर, नॉट एन इशू। Like this, एक साइड पे ही आ जाएगा तो आपको बाकी चीज़ें ऐड करने में होगी आसान। और बाकी चीज़ें आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, यू कैन यूज केचप लाइक दिस एंड थोड़ी सी काली मिर्ची एज इट इज। हम कर देंगे इस पे प्लेस, और इसी हमने शिमला मिर्ची बचा के रखी हुई है कलर कॉम्बिनेशन के लिए, और बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं सजाएंगे। यहाँ पे हमारी एक डिश तीन तरीके से सर्व करके हमने कर दिया तैयार। और एक्सरसाइज पे ज़रा दोबारा से आ जाते हैं कि एक्सरसाइज अच्छी तो है सेहत के लिए, लेकिन किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जब आप एक काउच पोटैटो बन के आप टीवी देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको कोई पानी भी पिलाए तो वो कोई दूसरा इंसान पिलाए, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो बिलीव मी एक बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए, क्योंकि आपको वैसे हरकत की या वैसे एक्टिव रहने की आदत ही नहीं होगी। कोशिश करें, बेड पे लेटे हुए हैं, ऑफिस से आए हैं, थोड़े से थके हुए हैं, आपके छोटे बहन भाई आपके सामने और आप चाह रहे हैं कि मैं उनको बोल दूँ कि मेरे लिए खाने के लिए चीज़ ले आओ, तो उस वक्त थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करें, खुद उठें, हिम्मत करें। जब आप हर वक्त एक्टिव रहने की आदी होंगे ना, बिलीव में आपको एक्सरसाइज करनी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड दिस इज़ वाइस वर्सा, आप सुस्त हो रहे हैं, आपका वज़न बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से आपकी बॉडी में जो है वो चुस्ती आएगी और वाकई आप एक्टिव महसूस करना स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली एक साइकिल होती है कि अगर आप एक्टिव हैं तो आप एक्सरसाइज शौक से करेंगे, या अगर आप एक्टिव नहीं हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके एक्टिव होने के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। वेल, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। इस रेसिपी को कॉल्सन के साथ ज़रूर कीजिएगा ट्राई और हमें दीजिएगा फीडबैक। तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।